तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे जो जम्मू खास के तहसीलदार थे श्री रवि शंकर जी, उनको सस्पेंड किया गया। इस बुनियाद पर सस्पेंड किया गया कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भर रहे थे उनमें उन्होंने ढिले बरती है। मैं समझता हूँ कि जम्मू खास की जो पॉपुलेशन है वो 15 लाख की पॉपुलेशन है, और 15 लाख की पॉपुलेशन, 15 लाख आदमियों को डोमिसाइल इशू करने के लिए कितना समय लगता है हम सब बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमने पुंछ के अंदर देखा है कि पुंछ के अंदर आबादी कम होने की वजह से हमारे जितने भी तहसीलदार हैं, चाहे वो पुंछ हो मंडी हो, उन्होंने बड़ा खूबी से काम किया है और उन्होंने डोमिसाइल दिए हैं और दिन रात मेहनत करके डोमिसाइल दिए हैं, लेकिन एक दिन में वो ज्यादा से ज्यादा नहीं कर सकते हैं कि वो अभी तक जो हमारे पुंछ की पॉपुलेशन है वो कवर नहीं हुई है। पुंछ के अलग बन रहे हैं, मंडी के अलग बन रहे हैं, सुरनपुर के अलग बन रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा जो पुंछ जिला है इसकी पॉपुलेशन है 5 लाख की, लेकिन अभी तक 5 लाख के अंदर अगर 8 तहसीलदार काम करते हैं या 10 तहसीलदार काम करते हैं, अभी तक भी जो आज अगर आप डोमिसाइल जमा कराओगे तो उसकी 17 या 18 की डेट पड़ती है। फिर भी मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ पुंछ के तहसीलदार हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको प्रायोरिटी के ऊपर मिलता है, लोगों को मिल रहा है, लोगों को कोई क्राई नहीं है। अगर जम्मू के अंदर 15 लाख की पॉपुलेशन, यहाँ 5 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर 8 तहसीलदार काम करते हैं, अगर जम्मू के अंदर 15 लाख की पॉपुलेशन के अंदर एक ईमानदार तहसीलदार जो हमारे पुंछ का रहने वाला है रविशंकर, उसको सस्पेंड किया गया, मैं समझता हूँ उसकी सस्पेंशन की वजह कुछ और होगी, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है, क्योंकि उसने मेरे ख्याल जो घपलाबाजी है उसने नहीं की होगी, इसलिए उसको सस्पेंड किया गया। हम पुंछ की जितनी आवाम है ये सरकार से मांग करते हैं कि फोर्थ और फोर्थ जो उसका सस्पेंशन उसको रोक किया जाए, जिन लोगों ने उसके ऊपर सस्पेंड किया है उनके ऊपर इंक्वायरी बढ़ाकर ऐसे ईमानदार आदमी के साथ जो गलत व्यवहार और सलूक किया गया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने कार्रवाई किया है, नहीं तो मैं समझता हूँ कि लोगों का आज ईमानदारी के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे पुंछ के जितने तहसीलदार हैं सब ईमानदार हैं, अगर वो किसी का आज नहीं बनता लोगों का कल बन जाता है, लेकिन पुंछ के अंदर इनके ऊपर किसी ने आज तक उंगली नहीं उठाई, क्योंकि हम जानते हैं पुंछ तहसीलदार पुंछ हो मंडी हो मेंढर हो सुरनपुर हो बालाकोट हो कोई भी हो, सब ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि वो दिन रात काम कर रहे हैं। इसी तरह से अगर एक आदमी 15 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर काम कर रहा है तो वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, क्योंकि लोग जितनी तारीफ करते हैं कि रविशंकर प्रसाद एक ईमानदार तहसीलदार था, लेकिन जो उसको सस्पेंड किया उसको हम कंडेम करते हैं और आज डिमांड करते हैं पुंछ पब्लिक की तरफ से कि उसका जो सस्पेंशन है वो रोक किया जाए और जिन्होंने ये साजिश किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।